बिस्किट तो आपने बहुत बार खाए होंगे, पर आज हम बिस्किट से बनाने वाले हैं आपके लिए मिठाई। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्लैक मैजिक के मैंने ये 4 पैकेट ले लिए हैं। ये हमारे 5 वाले हैं, आप बड़े भी ले सकते हो। इनको हम सबसे पहले खोल लेंगे। इसकी क्रीम हम अलग कर लेंगे। सारे बिस्कुटों में से क्रीम हमने अलग कर लिए, ये हमने अलग निकाल लिए प्लेट में। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। ये हम आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हमने कढ़ाई में पानी ले लिया है, पानी हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से हम छलनी, और ये बिस्किट हम रख देंगे इसके ऊपर ही फैला देंगे। बिस्किट हमने इस पर फैला लिए हैं। अब इसको हम 2 मिनट के लिए इनको भाप में इस तरीके से सॉफ्ट होने देंगे। 2 मिनट हो चुकी है, ये देखिए हमारे बिस्किट जो है ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, और जो ये बिस्किट है हम ये इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें हम मिक्स करके हाथ से अच्छे से एक डो बनाना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दूध। इसकी और ज़रूरत होती है तो हम इसमें और डाल देंगे। इसको डो बनाना है हमें। ये हमारा डो इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसको हम रख देंगे एक तरफ ढक के। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया है, और हमने 1 कप दूध ले लिया है। ये वेट में 150 ग्राम है। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। और ये वाली हम क्रीम है, ये भी हम इसी में यूज़ कर लेंगे। हम आ चुके हैं गैस की तरफ। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसमें ये वाला दूध डाल देंगे, और ये मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। इसमें ये भी डाल देंगे। इसकी हमें क्रीम बनानी है। इसको हमें जब तक चलाना है कंटिन्यू, जब तक ये टाइट क्रीम नहीं बन जाती। दूध में हमारा बॉयल आ चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी, ये भी हम इसके साथ मिल्ट कर लेंगे। इसको मुझे कंटिन्यू 5 मिनट हो गए चलाते चलाते। ये देखिए ये थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से हमें इसको टाइट करना है बिल्कुल। इस तरीके से हमें क्रीम बना के तैयार करनी है। जब इस तरीके से तैयार हो जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, जिससे कि ये और टाइट हो जाए। इतने हमारी क्रीम ठंडी होती है, इतने हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए और सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे हम बिछा लेंगे बटर पेपर। इसको इस तरीके से लोई बना लेंगे। अब इसको हमें बेलना है। ये हमने इस तरीके से बेल लिया है। ये हमारी क्रीम देखिए ठंडी हो चुकी है और टाइट भी हो चुकी है। अब ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये क्रीम हमने ऊपर से लगा ली है। अब इसको हम करेंगे फोल्ड। पहले एक बार इसको इस तरीके से दबा देंगे, फिर इसको हटा लेंगे, फिर एक बार और इस तरीके से रोल करेंगे। और इसको अब फ्रीज में रख देंगे 1 घंटे के लिए सेट करने के लिए। चलिए मैं इसको फ्रीज में रखी आती हूँ। 1 घंटा हो चुका है, इसको फ्रीज में से हम निकाल के लिए आए हैं। अब इसका कवर हम निकाल देंगे।
ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए ये। अब इसको चाकू की सहायता से काट लेंगे, इसके हम पीस बना लेंगे। ये देखिए हमारे कितनी अच्छी बर्फी बनके तैयार हो गई है, वो भी चार बिस्कुट के पैकेटों से। और देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा आया और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है, और जितनी देखने में सुंदर है टेस्ट भी बहुत लाजवाब है। अगर आपके घर पे मेहमान आ जाते हैं तो आप इस मिठाई को झटपट बना के तैयार कर सकते हो और उन्हें खिला सकते हो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ।